chapter from unit number 3, right? That is the cell structure and function. Already we have done a chapter from unit 3, that is the cell division, but that has been deleted. Okay, that has been deleted. Now here is only one this chapter, that is cell structure and function and biomolecules, which is left. Filhal hum log ye karwa rahe hain, that is the cell structure and function. In your lower classes, we have already studied that what is a cell. Yes. How can you define a cell? What is a cell? A cell is a building block. It is a structural unit of life. It is a building block, means that it is, you can say, the main necessity of the life to exist, right? It is a structural unit. It is a functional unit. It is a basic unit. It is a fundamental unit. What do you mean by all these terms? Structural unit means cell has to decide the structure. ठीक है, जिस भी टिश्यू का पार्ट होता है, आप एनिमल टिश्यूज पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से. अब वहां पे हमने एग्रीगेशन ऑफ सेल्स पढ़ा था, टिश्यू पढ़ा था. अब जिस भी टिश्यू का पार्ट है सेल, वो सेल ने वहां पे एक प्रॉपर अपना स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर टू द टिश्यू, सो इज टू द ऑर्गन एज वेल एज फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम. स्ट्रक्चर के साथ साथ ये फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि ये फंक्शन भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो दीज आर द टू मेन टर्म्स विच आर कंसर्न विद इट. सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, इट इज अ फंक्शनल यूनिट. आई ऑल्सो सेड सेल इज अ फंडामेंटल एंड अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई बेसिक? बिकॉज इट इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ टू एग्जिस्ट, है ना? बेस लेवल है, बेसिक यूनिट है वो. ठीक है, वी ऑलवेज से दैट इट इज अ फंडामेंटल यूनिट. फंडामेंटल मतलब वन एंड ऑल. सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है. ठीक है, यही हुआ ना इसका कंपोनेंट्स. नेक्स्ट चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल्स का है, उसमें हम पढ़ते हैं कि सेल भी किस किस चीज का बना. ठीक है, सेल के भी जो पार्ट्स हैं, जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, वो भी आगे किसी ना किसी चीजों से बन के आए हैं. तो दे आर द मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल, हेंस कॉल्ड एज अ बायोमोलिक्यूल्स. सेल इज अ लिविंग स्ट्रक्चर ना, सेल इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, और उसको बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स लगे तो उनको बोला बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, अभी तक आप लोगों ने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब भी पढ़ी थी, हम हमेशा उसको सेल से स्टार्ट करते थे. पर इसके भी ऊपर है, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट हमने डील करना है इसके साथ, दैट इज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, दैट विच कंस्ट्रक्ट्स द सेल. सेल एग्रीगेट्स फॉर्मिंग द टिश्यूज. टिश्यूज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. कमिंग टू दिस लेवल ऑफ सेल नाउ, बायोमोलिक्यूल्स विल लीड टू आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, गॉट इट. कमिंग टू द सेल नाउ, सेल दैट इज, अगर हम इसकी बात करें, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सेल, व्हाट टाइप्स ऑफ द सेल्स यू हैव स्टडीड. वी हैव स्टडीड बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ द सेल्स. वन आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड अनदर आर द यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स. व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स? द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल्स, they were the prokaryotic cells. Advanced are called as the eukaryotic cells. There are two different types of the cells depending upon their characteristic advancements. ठीक है, primitive का मतलब क्या होता है? Primitive means not having that advanced features, having very simple and less organized kind of the features. ठीक है, that is what prokaryotic cell. The prokaryotic cells examples are that of the bacterial members. Bacterias, they exhibit the structure of the cell, and the cell is called as a prokaryotic cell. Whereas the higher advanced organisms like that of the plant and animal, they are all eukaryotic in nature. Ye already hum pad chuke hain in the case of which chapter we have studied? Biological classification. Very good. Biological classification mein humne padha tha ki ye eukaryotic, unicellular ya multicellular jo bhi hain, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हाई इन एडवांसमेंट होंगे. मोनेरन्स वर हैविंग द प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, है ना? सबसे पहला किंगडम मोनेरा का, वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरिया का था. ठीक है, उस टाइम पे मैंने आपको बोला भी था दैट द स्ट्रक्चर डिटेल्स वी विल बी स्टडिंग लेटर ऑन इन द चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना? सो नाउ वी आर टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. What is a prokaryotic cell and what are its various structural components
and the functions of those components. So a prokaryotic cell, that first of all, this is having the outer coverings which are 3 in number. ठीक है, एक आप लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज हैं जिनमें सेल वॉल लैकिंग होती है ना, बाकी रेस्ट अगर हम बात करें सो ऑल द बैक्टीरियल मेंबर्स दे हैव 3 आउटर कवरिंग्स राइट. सो फर्स्ट यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, दिस इज लेट्स से द बैक्टीरियल सेल्स वॉल. ठीक है, ये वॉल है, दैट इज द मिडल ऑफ द लेयर्स. ठीक है, सो दिस इज द सेल वॉल, बना लो इसको साथ साथ. दिस इज द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल. गॉट इट? नाउ वन मेम्ब्रेन इज टुवर्ड्स इनर साइड, अनदर टुवर्ड्स द आउटर साइड. द वन विच इज टुवर्ड्स द इनर साइड इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन. दिस सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट्स एंड गेट्स फोल्डेड टुवर्ड्स इनर साइड at one, two or more places. एक जगह पे इनफोल्डिंग हो सकती है, दो जगह पे हो सकती है, depends upon, right? So this is the inner membrane, that is the cell membrane. Labeling हम करते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले आप draw करिए. Right? सबसे पहले जो मैंने पूरी full flesh, पूरी smooth बनाई थी, that was a layer, it is cell wall. And the one towards inner side, which is invaginating. ये देखो मैंने invaginating portion बनाया, ठीक है अभी ये structure बनाते हैं. But the one which invaginates or gets folded towards inner side, that is the cell membrane. Okay? And the third outer covering, unlike the eukaryotic cells, which has the one or two outer coverings, one in animal cell, two in plant cells, this has three of the outer coverings. So, तीन आउटर कवरिंग्स हैं इनके मेंबर्स में. द थर्ड एंड द आउटर मोस्ट इज द स्लाइमी लेयर, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग इट डॉटेड. बट डॉटेड बनाते हुए ये देख लेना कि इसका एक थिकनेस जो है वो सही रहे, कहीं से बहुत ज्यादा थिन और कहीं से बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना हमने. सो दिस इज द लेयर कॉल्ड एज ग्लाइकोकेलिक्स. दिस इज व्हाट? ग्लाइकोकेलिक्स. That is a mucilaginous sheath or a slimy layer around the prokaryotic cells. Got it? Haan ji, done. Now we shall label all these three layers. But labeling jab karni hai beta, to thoda dur karna kyunki abhi bahar structures aur banenge. Theek hai? So this is outermost called as glycocalyx. Glycocalyx or the mucilaginous sheath or the slimy layer. Okay, that is the sheath which is a slimy layer. Then there is the outer smooth jo line humne banayi hai, yani jisko invaginate nahi kiya, that is the second, it is cell wall. And the third which invaginates or protrudes in, that is the cell membrane. So these three makes up the outer covering of a prokaryotic cell. Done. Now after this, the structure which I made here for the infoldings, ye jo infoldings humne show kari hain, these infoldings are basically the mesosomal infoldings. ये इतनी ज्यादा इनफोल्डिंग हो जाती है, ये इतने एरिया में मैं बना रही हूँ फिलहाल, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी हो सकती है. सो दैट इज एन इनफोल्डिंग. इस तरह से ये इनफोल्डिंग्स हैं. ये इनफोल्डिंग्स क्या हैं? दैट इज जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर ऑफ द प्रोडक्शंस. ठीक है, दिस इज फोल्डेड इनवर्ड्स. हाउ हैव आई मेड इट? ये देख लो इधर दोबारा, ये इस तरह से प्लस अंदर वाली मेम्ब्रेन को आपने ऐसे ऐसे इनफोल्ड करते रहना. ठीक है, और बाद में इसको हमने एक कवरिंग दे दिया, ये इस तरह से आपने इसको इनफोल्ड कर दिया. ठीक है, और हमने उस एरिया को जस्ट एक लोकलाइज कर दिया कि दिस इज द एरिया वेयर द मीजोसोम इज प्रेजेंट. गॉट इट?
So this is the mesosome, that which shows the infoldings of the membrane, cell membranes infoldings that makes up the mesosome, right? Along with increasing the surface area, this also helps to divide the chromosome, because this is an attachment point as well for the chromosome. Now the bacterial cell, they have a single chromosome, but that chromosome is also localized. Localized matlab ek hi jagah pe rehta hai, aisa nahi hai ki kisi bhi corner mein aap isko dal sakte ho, idhar udhar kahin pe bhi phaila sakte ho. It is at the place in the center. Theek hai, ye negatively charged hota hai, jo DNA hota hai wo negatively charged hota hai, aur positively charged proteins yahan iske centralized mein present hoti hai. तो पॉजिटिव प्रोटीन्स, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, वो दोनों अट्रैक्टेड रहते हैं, इसलिए ये लोकलाइज रहता है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है. उस रीजन को, उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. ठीक है, न्यूक्लियोइड दैट इज द न्यूक्लियोइड दैट इज द एरिया वेयर द डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम को आपने फैलाना है, एंटेंगल करना है, लेकिन इतना नहीं करना कि वो पूरी तरह से सारे कॉर्नर्स में फैल जाए. और दूसरी चीज, इसके ओपन एंड जो हैं वो नजर नहीं आने चाहिए. एक जगह पे मीजोसोम से अटैच भी होगा ये, ठीक है, दिस विल बी अटैचिंग एट वन पॉइंट टू द मीजोसोम एज वेल. सो ये इस तरह से मीजोसोम पे अटैच किया. और दूसरा, आपने इसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स जो हैं वो शो नहीं करने, मतलब जहां से ये लाइन शुरू किया उसको भी कहीं ना कहीं अटैच कर दो, जहां फिनिश किया उसको भी अटैच कर दो. ठीक है, एंड दिस पोर्शन वेयर इट इज लोकलाइज, दैट एरिया विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड. ठीक है, देन इज आफ्टर दिस देयर आर ऑल्सो द सेल ऑर्गेनेल्स. We usually say that the membrane-bound cell organelles are absent in the prokaryotic cell, है ना? But there is one cell organelle which is present here, which is not having the membrane. That is the ribosome. Ribosomes में the two units, that is the smaller subunit and the larger subunit. ये दोनों इस तरह से fix हो जाती हैं. This is, let's say, my fist is the smaller subunit and this hand is the larger subunit. तो ये इस तरह से fix हो गई. ये दोनों ने एक structure बनाया, 70S ribosome जो prokaryotes में मिलता है. लेकिन इन दोनों के अराउंड एक कॉमन मेम्ब्रेन नहीं है, है ना? सो दे आर मेम्ब्रेनलेस, तो दैट इज व्हाई दे आर फाउंड हियर इन द प्रोकैरियोट्स. सो द मेम्ब्रेनलेस, दे आर आल्सो अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट देयर इज एन एमआरएनए चेन दैट रन्स थ्रू. ठीक है, ये एमआरएनए चेन इसके थ्रू रन करती है. दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम. एनीवेयर इन योर डायग्राम you can just simply make this, join 3-4 as many ribosomes you can. ठीक है, anywhere in your diagram with the mRNA chain, there will be the mRNA chain running through it and having the ribosome smaller subunits on one side and larger subunits on the other. And you got it. So this is the structure so formed after making a chain of these all ribosomes. The structure will be called as a polysome. Labelings में अभी इकट्ठी करवाती हूँ आपको. So these structures are called as a polysomes. Clear? Done. Now with this, there is also a very main feature and a special unique feature of the prokaryotic cells, that is the presence of the extra chromosomal material. What is that extra chromosomal material? That is a plasmid. So this is plasmid. ये इस तरह से double ring में आप बनाएंगे. That is again a chromosome. ये भी chromosome है, ये भी chromosome है. पर ये extra chromosomal material है, जिसको हम बोलते हैं plasmid. Plasmid is very important as it plays an important role in the biotechnology. आप 12th में जाके biotechnology पढ़ते हैं, तो वहां पे आरडीएनए टेक्नोलॉजी करवाई जाएगी. दिस इज बेसिकली यूज्ड इन दैट आरडीएनए टेक्नोलॉजी. करते क्या है हम, लेट्स से जैसे किसी एक स्पीशी में कोई सुपीरियर करेक्टर है, ठीक है,
तो सुपीरियर करेक्टर को हमने वहां से उठाना है और किसी इंफीरियर करेक्टर वाली स्पीशी के अंदर वो करेक्टर डालना है, करेक्टर मतलब जीन डालना, ठीक है। तो एक सुपीरियर में से निकाल तो लिया, लेकिन इंफीरियर में डालेंगे कैसे? थ्रू अ व्हीकल और थ्रू अ वेक्टर, एंड दिस प्लाज्मिड एक्ट्स एज अ वेक्टर इन दैट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक्ट करता है, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, क्यों ये एक्ट करता है, तो ये किस तरह से इसी को लिया गया, तो ये सारी चीजें आप ट्वेल्थ में जाके पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझ लीजिए, दिस हैज सर्टन एक्स्ट्रा फीचर्स, दोज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द बैक्टीरियल सेल, एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल। सबसे बड़े फीचर इसके साथ होते हैं दैट ऑफ द रेजिस्टिविटी टू एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? जो ग्रो नहीं करने देते हैं ना, मेडिसिन उसके लिए, जो ऑइंटमेंट हम लगाते हैं, दैट इज अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऐसा ही है। सो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इन्फेक्शन के लिए हम लगाते हैं एंटीबायोटिक, पर हमारे बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड के थ्रू कुछ एक स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें प्लाज्मिड के ऊपर उन एंटीबायोटिक्स के लिए भी यू कैन से रेजिस्टिविटी का करेक्टरिस्टिक जो है वो प्रेजेंट है इस प्लाज्मिड के, ठीक है। तो इसीलिए ये रेजिस्ट कर देते हैं, मतलब उस ऑइंटमेंट के साथ भी ये अपने आप को कंट्रोल, इनकी खत्म नहीं होती है, इनकी ग्रोथ खत्म नहीं होती, दे रेजिस्ट दैट एक्शन, ठीक है। सो दैट इज प्लाज्मिड, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ यूनिक फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्लियर। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज ऑल्सो हैव सर्टन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और द पिगमेंट्स दैट विच आर प्रेजेंट जस्ट नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन में इस तरह चेन बना के ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स उसके अंदर वाली साइड पे अरेंज होते हैं, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रोकन चेन, ठीक है। दैट इज नॉट अ वन सिंगल कॉन्टिन्यूस चेन, और कितने कितने सर्कल्स बनाने हैं दैट ऑल्सो इज नॉट फिक्स्ड, यू कैन मेक एज मेनी, ओके। सो दीज आर द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स और द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स दैट विच आर प्रेजेंट अलोंग द सेल मेम्ब्रेन। रेस्पिरेशन रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाने के लिए ही मीजोजोम जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बने हैं, ताकि वो सरफेस एरिया बढ़ाएं एंड मोर ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस, ठीक है। मीजोजोम ऑल्सो हेल्प्स इन दिस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लास्टली विद इन द स्ट्रक्चर वी डू ऑल्सो हैव द फूड रिजर्व फॉर्म्स, द फूड within this gets reserved either in the form of the fat molecules, okay, that is in the form of the fat molecules like this, or it can be in the form of the lipid globules, so thode rounded big bana do, that are the lipid globules, right, fat molecules oval shape banaye maine chote, to distinguish between lipid globules banaye thode rounded and bade, theek hai। एंड द थर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन पार्टिकल्स, ग्लाइकोजन एक सिंपल पेंटागन बनाओ ऐसा, फाइव साइडेड पेंटागन, और उसके बीच में सेंटर से लाइन्स ड्रॉ कर दीजिए टुवर्ड्स ईच एज, तो दैट फॉर्म्स अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। हाउ हैव आई फॉर्म्ड इट, लुक हियर, दिस इज अ पेंटागन, ओके, अ फाइव साइडेड फिगर, राइट, फ्रॉम द सेंटर जस्ट प्रोजेक्ट इन द लाइन्स टुवर्ड्स ईच एज, so this represents the glycogen molecules, you can make one or two here and there within the cytoplasm, done, okay। so this is the inside, and last we are left with the cytoplasm, that is toward the inner side of this, right। so cytoplasm and nucleoplasm are also not distinguished, they are commonly same, cytoplasm and nucleoplasm, because this do not have the membrane around the chromosomes as well, so nuclear membrane is absent, so this is a cytoplasm, the cells fluid of the cell, got it, that is the cytoplasm। further towards the outer side, now there are two of the structures associated for the movement, बाहर की तरफ देखें तो दो स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं, एक है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज फ्लैजेला। नाउ व्हाट आर दीज फ्लैजेला, कैसे बनाने हैं आपने, कहीं पे भी आपके डायग्राम में जहां जगह खाली है वहां से इस तरह से एक ब्रैकेट बनाइए,
टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. पहले यहां पे समझ लो, फिर मैं डायग्राम में बनाती हूँ. ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. द बेस ऑफ द फ्लैजेला इज देयर इन साइड द मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है, बेस, राइट. बेस के बाद यहाँ पे प्रेजेंट हैं हुक्स दैट इज टू होल्ड द फ्लैजेलर एक्सटेंशन. ये हुक्स प्रेजेंट है दैट इज बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. ओके, मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में इस तरह से हुक रीजन प्रेजेंट है दैट विच होल्ड्स द होल लेंथ ऑफ द फ्लैजेला. देन कम्स आउट द फुल लेंथ ऑफ द फ्लैजेला लाइक दिस. ओके, क्लियर हो गया, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द बेस, दिस इज द हुक. अलग से बना लो, सेपरेट करके बना लो, बेस हुक एंड देयर इज अ बेस अ हुक एंड होल फ्लैजेलर शाफ्ट. शाफ्ट भी कह सकते हैं, एक थ्रेड भी कह सकते हैं, फ्लैजेलर एक्सटेंशन भी कह सकते हैं. सो दिस इज द शाफ्ट ऑफ द फ्लैजेला. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लैजेला. एंड नाउ टू ड्रॉ इट विद इन दिस. अब इसके अंदर जैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेस बनाया, फिर उसके बीच में हुक प्रोड्यूस किया दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में हुक प्रोड्यूस किया, है ना. और उसके बाद इसका लॉन्ग लेंथ ऑफ दिस फ्लैजेला दैट आई कम्स आउट फ्रॉम द स्ट्रक्चर. ये इरेज कर दूं, डन विद दिस. चले इरेज, ओके, मेक इट फास्ट. So this is one kind of the material or the structure, sorry, that which is concerned with the movement of the bacterial cell. Okay. Now flagella can be present on one end, can be absent, can be present at one end, can be present at opposite ends, can be present all around the structure also. ठीक है, सो उसके हिसाब से बैक्टीरिया को नाम दिए जाते हैं एज मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस. वो ट्राइकस क्या है, दैट इज हाउ मेनी फ्लैजेला आर प्रेजेंट. ट्राइकस टर्म यूज किया जाता है, बट इतना ज्यादा डिटेल्स में आपका नहीं है एनसीईआरटी से. डन. सेकेंड काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द मटीरियल दैट इज अ बैक्टीरियल सेल, दे आर द हेयरी प्रोजेक्शंस. थोड़ा इसको डार्क डार्क बनाना क्योंकि अभी थिन फाइबर्स भी बनाने हमने. सो दीज आर द हेयरी प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज द सीलिया. ओके, दैट अराइजेस आउट फ्रॉम द सेल वॉल. दीज आर द स्मॉल हेयरी प्रोजेक्शंस दैट सराउंड्स द सेल ऑल अराउंड इफ प्रेजेंट एंड दैट आर कॉल्ड एज द सीलिया. डन. सारी तरफ बनाएंगे ऑल अराउंड द स्ट्रक्चर. So these are cilia. And cilia, flagella both helping in the movement. है ना, एक चीज अभी हमने बोली that is there is a glycocalyx that is the outermost layer जो capsule बनाती है इसका. ये glycocalyx slimy layer है ताकि ये किसी structure के साथ चिपक के ना रह जाए, ठीक है, slippery layer है, मतलब उसके साथ ही जुड़ के ना रह जाए. लेकिन अगर किसी होस्ट सेल के साथ इसको क्लच करना है ना, फॉर द टाइम बीइंग जब तक इन्फेक्शन क्रिएट करना है, क्लच करना है, जुड़ना नहीं है लेकिन उसको पकड़ के रखना है ना, तो उसके लिए इट हैज अ स्मॉल यू कैन से रिजिड स्ट्रक्चर्स बट हेयरी स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज पिल्लाय. ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ द पिल्लाय. वन आर द ऑर्डिनरी पिल्लाय. एक तो ऑर्डिनरी पिल्लाय है जो कि हेल्प करते हैं इन ओनली द क्लचिंग अप. ठीक है, जो मतलब अपने होस्ट सेल के साथ जुड़ने में सिर्फ हेल्प करेंगे. दैट आर द पिल्लाय विच आर द ऑर्डिनरी पिल्लाय. ओके, सो दीज आर अ बिट लॉन्गर आप इसमें शो करेंगे एंड थिन वंस. ठीक है, यू कैन मेक एज मेनी, जरूरी नहीं है मैंने एक बनाया तो आपने भी एक ही बनाना है. बेटा जस्ट वेट, लेट अस फिनिश दिस. सो दिस वे देयर आर हेरी थिन but rigid structures, one called as the ordinary pili
that will be used for adhering to the host cell. And the other are called as the sex pili, that is for adhering to the other bacterial member during conjugation. ठीक है, so now अब इनको distinguished label कर दीजिए. These hairy projections, they are fine, long hairy projections, they are called as pili. Okay, or they are also called as fimbriae. इनको fimbriae भी बोलते हैं, FIMBRAE, fimbriae. The hairy cells structures, they are called as cilia, hairy projections, and this long thread like structure, that is called as a flagella. Done. These rounded are called as respiratory pigments, respiratory pigments or the enzymes. If your class gets switched off earlier without completing the labeling, you please rejoin for 5 minutes, then I'll complete this, right? These are the fat molecules, the fat molecules, glycogen, जो pentagonal disc है, ये glycogen है, reserve food है, और ये lipid globules, again reserve food, lipid globules. Done. The folded projection of the cell membrane, this structure is called as the mesosome. Mesosome. These structures are called as polysomes or polyribosomes. Polyribosome, or also called as polysome. Polysome. Done. Then this structure is called as the plasmid, extra chromosomal material, that is plasmid. And this blue one, that is the chromosomal material, that is the chromatin material. It is the chromatin material. And the area to which it gets fixed, that is the nucleoid. ठीक है, so this area, because of the positively charged protein molecules, it gets fixed to a region called as nucleoid. Got it? And last is the cytoplasm, that is the fluid of the cell. So we are done with the labeling. Kindly complete it. Any question anybody having? Anji, anybody having any confusion in any structure?